सोमवार की अष्टमी पड़ जाए। क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना थोड़ा सा दूध, ऐसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है, या मंदिर में शिवलिंग है, या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देव अधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भावों के साथ आप समर्पित करें देसी गाय का दूध, एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र, अशोक डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहाँ पर होना चाहिए, कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करो। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है, पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए, इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था, बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप है, वो माता 64 योगनिया देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। वीडियो एडिट करते रहे, दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर
यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की ये डंडी है, अशुभ सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुभ सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधि देव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है, वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी, बोलो, धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि का आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है, फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित तो हो तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा कर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा पांच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होने होने वाली थी सावन की पहली, और मालूम पड़ा कि वो कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर है, अर्थात भजन का बल, भक्ति का बल, स्मरण, ये सब खींच कर लाते हैं। चुंबक देखी है आप लोगों ने? वो चुंबक को गंगा में रस्सी बांधकर गोताखोर डालते हैं और उसमें चिपकने वाला जो भी सामान होता है वो चिपक जाता है। लकड़ी नहीं चिपकती, कपड़ा नहीं चिपकता, प्लास्टिक नहीं चिपकता, वो चुंबक में जो चुंबकीय तत्व होते हैं वही चिपकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ एक, जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और
उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया। उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। बहत्तर साल बाद ऐसा सावन आया है और उस सावन में अगर भगवान की अविरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आप और हम तो सब शिव के चरणों के दास हैं। कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से ही तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का, कहीं भाई, कहीं बंधु, इनके मुंह फूले रहे, तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्या अध्ययन करा, आपने भी विद्या अध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत, बोलो सही है कि गलत। और कोई कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहाँ जाने का मन कर जाता है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचोगे। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका।
नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बज जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लो, 1 घंटे और काम कर लो, 15-20 मिनट और काम कर लो। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो, तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। अब आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम भरे पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है कि इतने शिव भक्त आएंगे तो वो आराम से कथा सुने, आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से अपना भजन कीर्तन करें और आराम से कथा श्रवण कर अपने अपने घर को जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो, ये प्रशासन भी देखता। इक्कीस हजार 600 श्वास में से 21,600 श्वास जो चल रही है, उसमें से जितनी श्वास हम परमात्मा को दे सकते हैं उतना दीजिए, हम जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें, हम जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करें, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंग धार मुक्ति द्वार ओम कर तू, बोले ओम कर तू, आयो शरण तिहार शंभु तारे।